इस पंचतत्व शरीर के साथ हम न जाने कितनी इच्छाएं लेकर चल रहे हैं, लेकर हमारी इच्छाएं लेकर किसी मंदिर के तट पर, किसी नदी के तट पर, मंदिर के पट पर मूर्ति दर्शन करके हमारी इच्छाएं समर्पित करते हैं। आज के इस डिजायर मेडिटेशन में मैं आपकी इच्छाएं आपके माध्यम से पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। बने रहे मेरे इस मेडिटेशन के साथ। डिजायर मेडिटेशन के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को ऐसा करें और ऊपर फैला लें, और ये कल्पना करें कि कोई आपको ऊपर खींच रहा है, नीचे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। आंखें बंद कर लें, और लंबी गहरी श्वास के साथ आराम से बैठे, वो श्वास को खाली करें। अपने डेट ऑफ बर्थ को याद करें, आंखें बंद। थिंक ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। रिकॉल योर ओन नेम। व्हाट इज योर नेम? आइडेंटिफाई योर फाइव एलिमेंट बॉडी विद नेम। रिकॉल दैट नेम। घर परिवार वाले जिस जिस नाम से आपको बुलाते हैं, उन सभी नामों का ध्यान करें। Become aware of your body. क्या चाहते हैं आप अपने आने वाले जीवन से? इफ यू आर केयरिंग योर डिजायर टू बिकम हेल्दी, बिकम अवेयर ऑफ योर नीज टू फीट एरिया। अपने घुटनों से पंजों तक के स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं, और जो भी चाहते हैं शरीर में बीमारियां दूर रहें, उन अंगों का भी ध्यान ले जाएं, उन अंगों पर भी ध्यान ले जाएं। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आईज। इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर इनकम, बिकम अवेयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, ईयर, आईज, नोज। इवन थिंक अबाउट फैमिली मेंबर्स। अगर आपकी इच्छा धन से संबंधित है, तो अपने सेंस ऑर्गन्स, कान, नाक, गले पर अपना ध्यान ले जाएं। परिवार के सदस्यों पर अपना ध्यान ले जाएं, और अंत में अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले आए।
इफ यू वॉन्ट टू बाय न्यू हाउस, अगर आप नया मकान चाहते हैं, मकान बदलना चाहते हैं, अपना ध्यान अपने छाती पर ले आए, बिकम अवेयर ऑफ योर चेस्ट। एंड अगेन बिकम अवेयर ऑफ योर लीज टू फीट एरिया, इंक्लूडिंग योर एल्डर सिबलिंग फेस। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आईज, अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस, एनी टाइप ऑफ डेब्ट, एनी टाइप ऑफ लोन, बिकम अवेयर ऑफ योर अपर स्टमक एरिया, अपर नेवल एरिया, योर इंटेस्टाइन और योर लीवर। बिकम अवेयर ऑफ योर नीज टू फीट, ने घुटनों से पंजे तक के स्थान के शरीर के भाग पर अपना ध्यान ले जाएं। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आईज, एनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी इशू आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा हो न्यायालय में, उसके बारे में सोचे। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर पार्ट ऑफ द बॉडी इज टचिंग टू द चेयर आर सोफा आर आसन, आपका शरीर का वह भाग जो धरती को स्पर्श कर रहा है उस पर अपना ध्यान ले आए। एंड जो भी केस चल रहा है उसका चिंतन करें, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, एंसेस्टर से कनेक्टेड। बिकम अवेयर ऑफ योर नीज टू एंकल, लिप फीट, अपने घुटनों से अपने पंजों तक पे ध्यान ले जाए। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आईज, कहा धूबेर बंदे वै तो तेरे पान,
मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांतवास में ना मैं जप में मैं तप में ना काबे कैलाश में कहते कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ तेरे पास में। आज हमने अपने आप से अपनी समस्या रूपी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करी। एक लंबी गहरी श्वास भरे चली गए। या देवी सर्वभूतेषु इच्छामूर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Just put up one hand on your head, एक हाथ अपने सर पर रख लें and bless this five element body, whatever the desires, जो भी इच्छा समस्या मन इसे bless करें। Under your head, this five element body, just pray, heal and bless. Remove the hand. Become aware of your body. Along with a smile, you can open your eyes and take a glass of water. Muskan ke saath apni aankhein khole, pani ka glass le, take a glass of water. Entering. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मुझे कमेंट करके बताना आज हमने वह प्रयोग किया है जो अभी तक किसी ने इस धरती पे नहीं किया होगा। वी कनेक्टेड ऑल द एस्ट्रोलॉजिकल रूप, आपके मकान संबंधी समस्या, योर हाउस लिफ्ट ऑन योर फोर्थ रूम चेस्ट एरिया। इच्छा आपका इनर हाउस नीड्स टू फिट, और किसके करना इच्छा पूरी, कम अवेयर योर थर्ड आइज, योर फर्स्ट हाउस, योर लग्ना, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, एट रूम योर पेल्विक रीजन, एट रूम कनेक्टेड विथ इलेवंथ रूम एंड कनेक्टेड विथ द फर्स्ट रूम, किसके? तो ये तो आप लाइव वक्त छोड़ सकते हैं अपनी समस्याओं के साथ, लेकिन हमें अपने पे नहीं, किसी और पे विश्वास है, किसी दाढ़ी वाले बाबा पे विश्वास है, किसी मंदिर की मूर्ति की पूजा पे ज्यादा विश्वास है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनके भावनाओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कभी अपने आप से भी मांग के देखे, वो तैयार बैठा है आपको देने को। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। मिलते हैं कई नए ध्यान के साथ और नए ज्ञान के साथ।